महासमुंद से खबर मिल रही है जहां सरायपाली में कार से 87,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। तीन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सिंघोड़ा थाना पुलिस ने मामले को आयकर विभाग को सौंपा है। संबलपुर के रहने वाले हैं तीनों ट्रांसपोर्ट व्यवसायी। खबर महासमुंद के सरायपाली से जहां कार से 87,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। तीन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिंघोड़ा थाना पुलिस के ने मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया है। संबलपुर के रहने वाले तीनों ट्रांसपोर्टर्स बताए जा रहे हैं। जानकारी देंगे संदीप, मेरे सहयोगी संदीप। कार में से 87,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। तीन व्यवसायी जो कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं उनको हिरासत में लिया है, क्या कुछ मामला? बताना चाहूंगा कि इन दिनों जो है महासमुंद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार जो है संदिग्ध वाहनों के चेकिंग का काम चल रहा है। इसी के तहत कल सरायपाली के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान उड़ीसा की ओर से आ रहे बिना नंबर की फोर्ड इनवेयर गाड़ी से जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में दो काले कलर के बैग नजर आए जिसको खोलकर देखने में पुलिस के होश उड़ गए। उसमें 87,50,000 रुपए नकद रखे हुए थे और तीन व्यक्ति सवार थे जिसमें दो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे और एक उनका ड्राइवर था। पुलिस ने जब इन रकम के बारे में उनसे पूछताछ की तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी सही ढंग से जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब देते रहे और इस रकम के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए कि वो रकम एक नंबर के हवाला के या किसी और चीज के। इसके तहत पुलिस ने प्रथम दृष्टया एक दो का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और आईटी डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।